आप समझदार व्यक्ति है और सुंदर भी है आप, एक स्मार्ट भी है सर आप। मतलब ये है कि शताब्दी के अंदर मेरे पास अधिक से ज्यादा मरीज रहते हैं। कोई यहाँ लड़की दिख रही है आपको? ऐसी आर्मी कैसी पट्टा मिलेंगे? लड़कियाँ क्या करेंगे, गश्त खा के गिर आती हैं। यहाँ आर्मी कैसी पट्टा लगते हैं? आर्मी कैसी पट्टा, चुरी डाल दो। 18 से नीचे नहीं, 50 से ऊपर नहीं। इनकी जवाबदारी हमारी रही और रहेगी। इनका अगर मुड़ दुख जाएगा ना तो हम ले जाएंगे। सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द साहिल सिंह व्लॉग। स्वागत है आप लोगों का मेरे एक और न्यू व्लॉग में। तो गाइज, आज जैसे कि आपने पिछले व्लॉग में देखा होगा कि हम ग्वालियर आए हुए हैं, तो ग्वालियर में हम आए हैं सीताराम राधेश्याम भगत जी के गोलगप्पे खाने। तो और हमारे साथ हैं कुछ दोस्त, इनका चैनल है हनी सिंह वाला। तो गाइज चलते हैं अब भगत जी के गोलगप्पे। सो गाइस अभी भीड़ कम हो रही है, धीरे धीरे तभी जाएंगे। स्टार्ट कर दी क्या जी? जी बता दो, ये वीडियो बनाने आया हमारा। तो झांसी से आया था जी स्पेशल। मैं तो आया ही था, कोई देखे ना। बता दो उसको जी, पूछ लो जो तुम पूछोगे बताएंगे आप। अच्छा, नहीं हम बताएंगे, तुम करो। ठीक है ठीक है। तो इसको बांध सकते हैं हम? हाँ। लटका दो आप, और बड़े प्यार से हम गए। ओके सर, ठीक है, काम भी करते रहेंगे वो आपका। ठीक है। हाँ सर, राधे। तो पहली बात मैं आपको बताऊं, इस फ्लेवर के बारे में आप पूछना चाहते होंगे सर। हाँ, तो वहाँ करते जाओ, ठीक है। तो मैं आपको एक डायलॉग देता हूँ। का गई, कहने का मतलब जो है, आप समझदार व्यक्ति है और सुंदर भी हैं आप, एक स्मार्ट भी हैं सर आप, और बढ़िया मतलब बात सुनो, वो छोड़ो, आप वो कहानी छोड़ो। अब मैं तुमसे एक बात ये कहना चाह रहा हूँ, रेल पटरी पे, एक पटरी पे हजारों गाड़ी चलती, कोई गिनती नहीं होती है। मेरी बात समझ रहे? होती है कि नहीं होती? नहीं होती। थैंक यू सर। तो उसमें एक गाड़ी शताब्दी भी चलती है ना। अगर शताब्दी निकलेगी ना तो पैसेंजर को तो साठ देना ही पड़ेगी। एमरजेंसी काका ही, पैसेंजर को साठ देने पड़ेगी, क्यों? मजबूरी है शताब्दी। अब इसकी वजह जो है, शताब्दी का मतलब ये है कि शताब्दी के अंदर मेरे पास अधिक से ज़्यादा मरीज रहते हैं। हाँ, तो उसको तो छोटे पूरे तो टेसर टोड़ा चली जाएगी, शताब्दी रुकेगी नहीं। और पैसेंजर के अंदर तो को सब मरीज तो है नहीं, इसलिए ये शताब्दी गाड़ी है सर। 20 की पे कर। ओके, ये शताब्दी में गिनती है सर, ये आपके लिए डायलॉग। आप कब से लगा रहे हैं? ये बेटा सर 84 से, आप पैदा भी नहीं आए होंगे। हाँ। एक डायलॉग तो तुम्हारा होएगा। हाँ। ठीक है। और पहली बात, अब इसका इंटरव्यू लो, बोर्ड वोड करो बढ़िया, हो कोई लैंग भाषा गलती हुई तो उसमें आप सही कर देना। जी थैंक यू सर, ये आपका कर्तव्य है, और क्षमा भी कर देना। ये तो है। और जो देखने वाले हैं उनके लिए हमारी तरफ से धन्यवाद। लड़कियों को नहीं खिलाते? आपको यहाँ लड़की दिख रही है? नहीं, वो तो मैंने वैसे भी देखा है। तो आप क्यों नहीं खिलाते? आपको ऐसी आर्मी कैसी पट्टा मिलेंगे? लड़कियाँ क्या करेंगे, गश्त खा के गिर आती हैं। यहाँ आर्मी कैसी पट्टा लगते हैं? आर्मी कैसी पट्टा, चुरी डाल दो। ओके सर, मतलब कहीं टेढ़ फेढ़ नहीं, एकदम नंबर वन। काका ही, ऐसे यहाँ बॉर्डर कैसे पट्टा? 18 से नीचे नहीं, 50 से ऊपर नहीं। अब इनकी जवाबदारी हमारी रही और रहेगी। इनका अगर मुड़ दुख जाएगा ना तो हम ले जाएंगे। इतनी कड़ी जवाबदारी है, और नहीं है फिर काऊ की। अच्छा, अगर कोई अपने रिस्क पे, हाँ तो उसकी हेड है, हमारी नहीं है। हमारी जी उम्र की, कहने का मतलब जी उम्र दिख रही ना आपको, इस उम्र हम मतलब हमारे लिए भावी हो सकती है, हो जाए,
इसके अलावा हमारी कोई गारंटी नहीं है सर, सिर्फ हमारी जी उम्र की जिम्मेदारी है बस। और आप ये कहो बेटी कि इसका फ्लेवर बताऊं, तो हम बताएंगे नहीं, समझ आई। पहला नंबर तो हम भोपाल पास हैं, बहुत अच्छे नंबर अंत बता दो टिक्की कितनी आ गई, टिक्की कितनी है वो तो दिख रहा होगा आपको। नहीं नहीं टोटल टिक्की कितनी है बस, यहाँ से सीधा जाओगे लेफ्ट मारोगे वहाँ पे पता चल जाएगा गोडाउन है। हाँ सही कही आपने, गोदाम है, जे नहीं बता पाऊंगा मैं। बनती है वो चली जाती है, तो इसीलिए तो क्या है यहाँ पे टिक्की मत गिनो, टिक्की मत गिनो, जाके देखो काउंटर की अपना जो टिक्की बनती है अपना है, तो मतलब कारखाना ही अपना है खुद का। हाँ समझ गया, बनती जाती है बिकती जाती है, बन के आती जाती है बिकती जाती है जी। हाँ कोई गिनती नहीं है। थैंक यू सर। और बोलो सर, आ जा भैया आ जा राधे, बहुत बहुत धन्यवाद आपके लिए, भगवान आपकी वीडियो ऐसी चले तुमको दो वक्त पे भोजन मिल जाए। हम तो ये कह दें काका जी त्याग में डायलॉग को अच्छो दे दो, एक डायलॉग और दे दें, दे दो डायलॉग देते जाओ, हाँ देते जाए राधे आप कोई दिक्कत नहीं। तो पहली बात ये है भैया, भैया पहली बात ये है ये फ्लेवर सिर्फ शेरों के लिए, हाँ ये कहो कि ये गायों के लिए नहीं है। और रही दूसरी बात, हमने कभी गायों पे हाँ हथियार उठाए नहीं है, और समझ तो जाएंगे आप समझदार व्यक्ति है ऐसे नहीं है, हमने गायों पे कभी हथियार उठाए नहीं है और ना उठाएंगे। कहने का मतलब जो है गौ माता पे हमने कभी हथियार उठाए नहीं है और ना उठाएंगे, ये हथियार तो शेरों पर उठाए जात सो हमने शेरों पर उठाए। और रही दूसरी बात, आपने शेरों के लिए बड़े बड़े कटारा देखे हों और शायद आपने बड़े बड़े महल देखे हों शेरों के लिए, लेकिन गौधुओं के लिए नहीं होते, सिर्फ जितनी सुविधा होती है शेरों के लिए होती है, गौधुओं के लिए नहीं होती है। ओके जी इसका है भैया की जय हो। भगत जी आपकी टाइमिंग क्या है? टाइमिंग तो सर भाई एक से छः, नहीं नहीं एक से छः। और हमारा एड्रेस और सुनो आप, एड्रेस भी लेना जरूरी है के भिंड रोड ग्वालियर, भिंड रोड एक काम है कोई दिक्कत नहीं, भिंड रोड ग्वालियर गोले का मंदिर, और गोले के मंदिर से करीबन थोड़े आगे बेलकम के सामने भगत जी है। भगत जी जी सर, ये यूट्यूबर वाले से जी बात और कहो कि ओनली मेरा प्रचार के लिए आते हो, टिक्की के लिए आते हो, किसी का हाथ से उपदेश ना उड़ाया जाए, कोई भी यूट्यूबर हो। हाँ। कोई भी यूट्यूबर कहते बड़े प्यार से है ना, जैसे बच्चे खड़े हैं, कोई घर से आए हैं, कोई कैसे आए हैं, इधर लेडीज भी खड़ी है या फैमिली खड़ी है, वो तुम यूट्यूब बना के अपना यूट्यूबर प्रचारित करते हो है ना। ये यूट्यूबर जितने भी हैं ऐसा काम करते हैं, कहते हैं कि वो लेडीज की बना रहे हैं, वो यूट्यूबर नहीं है, शूद्र है, वो क्या है शूद्र, पिता की संतान नहीं है वो, मैं बोल रहा हूँ ना, हाँ पिता की संतान नहीं है। बड़ी एक नंबर की होना चाहिए, क्यों करोड़ों आदमी देखता है, मतलब शब्द अपने मुंह से गलत ना जाता ना, वो तो है यूट्यूबर बिल्कुल दूध की तरह होना चाहिए। हां हां साफ सुथरा, अब किसी का हाथ छोड़ा जाए, कोई फैमिली खड़ी हो किसी की, देखो ये तरीका अधिकारियों को ये तरीका दिया जाता है। भगत जी जी क्या खड़ा जी क्या है जी, कमेंट्स आए हैं ये छुद्र है, वो जो भी यूट्यूबर ने बनाया है वो छुद्र है, मैं कह रहा हूँ ये बात तो सही है ना, माता रानी उसको कभी माफ नहीं करेगी। अपन सर धार्मिक मनुष्य हैं और शुरू से संगत ही, मतलब बचपन ही से संतों की संगत है। ओके आ बेटा, तो अब बारी है साहिल की, तो गाइस अब देखते हैं, अब देखते हैं खाके कैसा टेस्ट है। टिक्की नहीं पिएगा जी, हम यही पीते और कहीं नहीं पिएगा टिक्की, बढ़िया
बहुत समय से आ रहा, मेरा मुंह बंद हो गया था, पुड़िया खाते भगत जी के द्वारा खुला है, बस इतना ही आवाज आ रही, बस इतना ही बोल। चलो ठीक है, जो पानी के बतासा नहीं है, टिक्की नहीं है, औषधि भी है। तो गाइस टिकिया तो बहुत ही ज़्यादा टेस्टी है, आप आके ट्राई करो। बस यहाँ पर लेडीज और जो लड़कियाँ उनको अलाउ नहीं है खाने का, और छोटे बच्चों को भी। अच्छा, और दूसरे ठेले पर व्यवस्था है लेडीज और कुछ यूट्यूबर ने बदतमीजी की है, अब वो क्षुद्र है, जो भी यूट्यूबर है क्षुद्र है वो। ओके थैंक यू। ओके चलो अब टेस्ट देखते हैं इनका। बहुत बढ़िया रही आपकी बात, कोई भी बनाएगा। ओके बस बहुत ज़्यादा मज़ा आ गया। तो गाइस ये भिंड वाली रोड है, इधर के इधर है सीताराम राधेश्याम, 10 रुपए के 4 गोलगप्पे भगत जी का नाम। सो गाइस कैसा लगा आप लोगों को ब्लॉग अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक करिए और कमेंट करके बताना अगर आपने भगत जी के गोलगप्पे खाए हो या नहीं खाए हो। खाए हो तो कमेंट में यस लिखो, अगर खाए हैं तो टेस्ट भी बताना कैसे लगे आपको। और अगर आप लोगों ने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। और अब मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट व्लॉग में। Thank you so much for watching. Bye.